फ्रेंड तो अभी हम जा रहे हैं रुनमाल वाई सिटी से बुध मार्केट सब्जी लेने के लिए। चलिए आप लोग भी। कहाँ जा रहे हैं? बुध मार्केट थोड़ा एक बार देखना है कि कितना बड़ा मार्केट है, क्या है, तो वही देखने जा रही हूँ। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। बुधवार, हाँ बुधवार मार्केट में जा रही हूँ, बुधवार। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, बुधवार है, बुध मार्केट, बुध मार्केट बोलिए या बुधवार बोलिए, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? और अभी हम लोग नाइट में जा रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 8 ना कि 8:30, 8:30 ऐसे ही कुछ बज रहा है, 8:30 ना, 8:30 हो रहा है। नाइट में ना मार्केट वार्केट निकलना अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पे लाइट अभी अच्छा लग गया है, यहाँ पे भी देखिए लाइट अच्छा हो गया है, लाइटिंग सिस्टम है ना। माई सिटी से गार्डन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलने वाला तो रास्ता यही है ना, बाहर जो निकलेंगे। यहाँ पे फिर देखिए लाइट थोड़ा सा कम है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम है, गार्डन के सामने है ना, रुनवाल गार्डन के सामने से लाइट सही है। सब जगह है, ये महाड़ा का बिल्डिंग है, देखिए 23 फ्लोर और 16 फ्लोर का महाड़ा का बिल्डिंग है। क्या जूम करके दिखाइए, बैक कैमरे से नहीं दिखा रही हूँ मैं, इसलिए जूम नहीं होगा। देखिए ये रुनवाल के जो मेन गेट है, तो यहाँ पे भी लाइटिंग अच्छी है नाइट के समय में, मतलब देखिए नाइट का जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, तो क्लियर दिख रहा है, रोड वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इधर तो अभी पूरा कंस्ट्रक्शन का चालू ही है काम, सेकंड एमएलसीपी, एमएलसीपी मल्टी लेवल कार पार्किंग का तो पहले भी दिखाई। अच्छा और रुनवाल गार्डन का था क्या? यही है, दो। अच्छा यही है, दो है, ओके। और मल्टी लेवल कार पार्किंग जो बन रहा है ना, उसके अपोजिट साइड में हॉस्पिटल बन रहा है। तो बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि किसने बोल दिया है आपको कि हॉस्पिटल बन रहा है, बन रहा है ना, बोल कर दिया है बन रहा है। तो हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, तो हम लोग को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब हम दे रहे हैं जो चीज बन रहा है वही मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए इधर से रुनवाल गार्डन, यहाँ पे मॉल बन रहा है, इधर से हम लोग डी मार्ट की तरफ मुड़ गए हैं बुध मार्केट जाने के लिए। डी मार्ट के आसपास में ही लगता है बुध मार्केट। यहाँ पे देखिए आर ग्लेडिया आइला डोंबी वाली रुनवाल, तो मैं बहुत बार दिखा दी रुनवाल के, मतलब जो भी एरिया है बाहर बाहर। तो आज चलिए आपको बाहर से मैं पैराडाइज बिल्डिंग का भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ, आई लव पैराडाइज लिखा हुआ है, और इनका भी बहुत अच्छा बिल्डिंग बन रहा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी खरीद सकते हो, अच्छी सोसाइटी बना रहे हैं। और यहाँ से फिर हम लोग सीधा निकल गए हैं, और डी मार्ट वाला जब रोड में जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में एक रोड गया है, उसी में हम लोग जाएंगे बुध मार्केट। कच्चा रास्ता भी गया है उधर से, और एक आगे जाके फिर सनकेश्वर बिल्डिंग जो भोपर गांव जो गेट लगा हुआ है, वहाँ से भी आप जा सकते हो, पक्की जो सड़क है वहाँ से भी। पर हम लोग जल्दी पहुँचने के लिए और कम भीड़ भाड़ हो वहीं से जाएंगे। देखिए कच्चा रोड है, यहीं से हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो डी मार्ट के पहले वाला गली है, कच्चा रास्ता, इसी से हम लोग जा रहे हैं, और इससे थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ गया है, और डी मार्ट के पीछे तरफ लगता है मार्केट। लोग बाइक यहाँ पे पार्क कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, आगे में मार्केट में पहुँच गए हैं। तो ये देखिए गार्डियन स्कूल के पास से ये मार्केट लगता है, गार्डियन स्कूल है ये पूरा लंबा सा, और इसी के पास से मार्केट लगता है। देखिए
अभी नाइट का टाइम में ज्यादा भीड़ नहीं है, अभी 8:30 हो रहा है टाइमिंग। किधर लिखा हुआ ये देखिए गार्डियन स्कूल और यहीं से मार्केट यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से मार्केट शुरू हो रहा है, देखिए मार्केट आलू प्याज तो काफी भीड़ है यहाँ पे मार्केट में। अरे एक मिनट एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए आपको झुमके उमके भी मिल जाएगा एक से एक। तो देखिए इस तरह का कुछ झुमका यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है वेडनेसडे मार्केट में, पर थोड़ा बहुत है, काम चलाओ मतलब काम चलने भर बोल सकते हैं। और सब्जी का रेट वाकई सस्ता है मार्केट से, क्योंकि मार्केट में तो दुकान में खोल के जो लोग बैठे रहते हैं दुकान का भी रेंट ऐड करके लेते हैं ना प्राइस। यहाँ पे मिल रहा है सभी प्लास्टिक की चीज़ें, तो चलिए पूछते हैं वाइपर। वाइपर एक मुझे लेना है, यहाँ पे लेना है मुझे वाइपर, तो वाइपर देख लेती हूँ कितने का है। बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, हाँ पर काम करेंगे ना भैया, काम करोगे ना। क्या ये फ्रिज भी 10 रुपए का? इधर से मोबाइल देख के ये नहीं ले रहे हो? क्या ये फ्रिज भी 10 रुपए का? इधर से मोबाइल देख के ये नहीं ले रहे हो? तो अभी हम लोग सब्जी खरीद लिए हैं और अभी हम लोग घर लौट रहे हैं। तो घर लौटते समय देखिए नाइट का व्यू है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये शाम का जो मतलब नाइट का एक अलग ही थोड़ा सा व्यू रहता है ना, बहुत सुंदर लगता है नाइट व्यू, मुझे बहुत पसंद है। और हम दोनों यहाँ पे बातें कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे जो लगता है ना संडे फ्राइडे मंडे सब्जी का वो बहुत अच्छा रहता है, उसमें सब्जी मिल जाती है सस्ती। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि हाँ ऐसा लगता है जैसे फ्री का मिल रहा हो, ऐसे भीड़ होता है। तो क्यों ना हो भाई, भीड़ दुकान में जो सब्जी हमें मिलती है सब्जी की दुकान में एकदम डबल रेट आता है, 80 रुपये किलो 70 रुपये किलो, और यहाँ पर फिर हाफ रेट में हो जाता है। तो फिर क्यों ना लोग जाए यहाँ पर और ले इस तरह की मार्केट में। तो मैं तो जाना पसंद करती हूँ क्योंकि कुछ तो अपना बचत हो जाता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। थैंक यू।